प्रसंग है श्री दशरथ जी महाराज मुख का अवलोकन कर रहे हैं। दो चीजें दिखाई थी दशरथ जी को, क्या क्या? मानस में वर्णन। श्री दशरथ जी महाराज विराजमान है, दर्पण मंगाया, मुख देखा, क्या दिखाई दिया? गोस्वामी जी कहते हैं, एक समय सब सहित समा जाए, एक समय सब सहित समा दशरथ जी ने मुख देखा। जो दो चीजें मैं कह रही थी वो क्या थी जो दशरथ जी को दिखाई पड़ी दर्पण में मुख देखने के बाद? ये तो ऐसी चीज थी जो हम सबको दिखाई पड़ती है एक दिन। फर्क सिर्फ इतना है, दशरथ जी ने जब वो देखा तो खुद में बदलने का प्रयास किया, खुद में कुछ परिवर्तन लाने का निर्णय लिया। हम भी वो चीजें देखते हैं पर हम खुद को ना बदल के उन बदलती चीजों को और बदल देते हैं। दशरथ जी ने क्या दो चीजें देखी? और मैं निवेदन करूं, अयोध्या कांड की कथा, इसका ये मतलब नहीं कि वनवास प्रसंग में ऐसा सुनने जैसा आप ज्यादा कुछ नहीं है ना। जीवन का असली सार तो इसी प्रसंग में रखा हुआ है। बाल्यावस्था तो आराम से बीत जाती है पर युवा अवस्था या तो बनने का समय होता है और बिगड़ने का भी समय होता है। युवा अवस्था कैसी हो? श्री दशरथ जी महाराज ने जब देखा, दशरथ जी ने क्या देखा? मुकुट तिरछा हो गया है। दशरथ जी के माथे पर जो मुकुट सुशोभित था वो थोड़ा सा तिरछा झुक गया है। अब एक बात बताइए, मुकुट अपने हाथ से सीधा किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता? मुकुट तो सीधा कर सकते हैं ना, क्योंकि वो सीधा किया जा सकता है, अपने हाथ में वो है। दशरथ जी ने भी मुकुट सीधा कर लिया। दूसरी चीज दशरथ जी को दिखाई दी क्या? कानों के पास ये जो जगह होती है, दशरथ जी ने देखा श्रवण समीप ये जो भाग है, यहाँ के बाल सफेद हो गए। अब दशरथ जी ने क्या किया? श्वेत बालों को देखकर इनको बदलने का निर्णय नहीं लिया, बल्कि इन सफेद बालों से कुछ उपदेश लिया। वो मूक बाल जो बोल नहीं सकते फिर भी आज दशरथ जी को ऐसा लग रहा है कि वो कान में आकर बहुत कुछ बोल रहे हैं। ये सफेद बाल कुछ बोल रहे हैं मेरे कानों में। क्या बोल रहे हैं? दशरथ जी, मनहु जरठपन। अब वृद्धावस्था के पड़ाव में आपने कदम रख दिया है, बुढ़ापा आ गया है। सफेद बाल बुढ़ापे का, बुढ़ापे की तो निशानी होती है। हाँ, अब अनेक प्रकार की ऐसी बीमारियां हो गई हैं कि छोटे छोटे बच्चों में भी वो चीज देखने को मिल जाती है। पर वास्तविक में जो श्वेत बालों का, श्वेत केशों का तात्पर्य मानस में है वो यही है
कि ये कानों के पास के बाल जब सफेद होने लगे समझिए अब बुढ़ापा आ गया है, हमने कदम रख लिया बुढ़ापे के पड़ाव पर। और दशरथ जी महाराज ने मुकुट तो सीधा किया पर बालों में परिवर्तन करने का नहीं अपितु स्वयं के जीवन में परिवर्तन लाने का निर्णय लिया। ये श्वेत बाल कह रहे हैं दशरथ जी वृद्धावस्था है तो अब मुझे क्या करना चाहिए वृद्धावस्था में। ये अयोध्या की इतनी विशाल संपदा राजपाट ये सारी चीजों का मोह त्याग के अब मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान के भजन की ओर ध्यान देना चाहिए, अब मुझे सिर्फ उसके मार्ग की ओर ध्यान देना चाहिए, अब सारे मार्ग को छोड़कर। मुकुट सीधा हुआ है, मुकुट का मतलब सिर्फ सोने का मड़ियों से जड़ा हुआ एक सोने का मुकुट मात्र नहीं होता, मुकुट का मतलब होता है जिम्मेदारी। कहावत कहते ना कि भैया सर पर पगड़ी बांध के घूम रहे, मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम अपने सिर पे लेके। पगड़ी का मतलब क्या, वो कपड़े की लपेटी हुई कोई एक केवल चीज नहीं है, पगड़ी का एक अर्थ मान सम्मान होता है, इज्जत होती है, जिम्मेदारी होती है, ये पगड़ी का अर्थ होता है। उसी प्रकार मुकुट का अर्थ भी जिस राज्य के राजा के शीश पर उस राज्य का मुकुट हो वो पूरे राज्य की जिम्मेदारी का भार उस राजा के सिर पर होता है। दशरथ जी ने जब मुकुट तिरछा देखा तो सोच रहे हैं कि ये मुकुट मानो मुझसे कह रहे हैं कि महाराज अब ये कांपते हुए शरीर से इतना बड़ा राज्य का भार नहीं संभाला जाएगा। तो दशरथ जी ने मुकुट सीधा करके मानो थोड़ा समय लिया, अरे पहले कोई ऐसा योग्य तो मिलने दो जिसको ये भार दे सकूं, फिर ये दे दूंगा मुकुट, लेकिन तब तक तो यहीं पर इसको सुशोभित होना पड़ेगा, इसलिए सीधा किया और केशों से उपदेश लिया। जीवन में अच्छी बात कहने वाले तो बहुत मिलते हैं पर समझने वाले कम मिलते हैं, बहुत कम। और अच्छी बात क्यों नहीं अच्छी लगती ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है। तो मुझे तो लगता है अच्छी बात अच्छी तब नहीं लगती, कब, जब आते हैं अच्छे दिन तब अच्छी बात सुहाती, और ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में। माता पिता से ज्यादा अच्छी बात हमारे लिए कोई नहीं करेगा, और माँ बाप की बात कितने लोगों को कितनी अच्छी लगती है ये तो आप लोग अपने अपने दिल में जान। कहाँ पर बोलना था और कहाँ पर बोल जाते हैं, जहाँ खामोश रहना था वहाँ मुंह खोल जाते हैं। अगली लाइन बोलू कि ना बोलू, देखिए नई पीढ़ी के ये बच्चे जमाने भर की सुनते हैं, अब कल से आना मत बंद करना दो ही दिन और। नई पीढ़ी के ये बच्चे जमाने भर की सुनते हैं मगर माँ बाप कुछ बोले तो बच्चे बोल जाते हैं। अरे आपको क्या पता, ये हमारी पीढ़ी की, हमारी ये न्यू जनरेशन की बात है, आपको क्या मालूम, ये ट्रेंड है आज का, बहुत कुछ निकलता है आजकल के ट्रेंड में। लेकिन याद रखिए, मैं सदैव कथा के दौरान एक बात कहती हूँ कि आप केवल अपनी पीढ़ी का अनुभव लेके चल रहे हो पर जो हमसे बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास अपनी पीढ़ी का भी अनुभव है और आपकी पीढ़ी का अनुभव है, डबल अनुभव लेके वो चलते हैं। तो उनसे सलाह लेने पर कभी घाटा नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। और आगे ये बात मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी और इसी मानस के प्रसंग से साबित करूंगी, पर आज नहीं करूंगी, ये आगे का प्रसंग है। श्री दशरथ जी महाराज ने वृद्धावस्था में एक निर्णय लिया, मैं भी प्रार्थना करूं, जिम्मेदारी संभाली जाए। पर कब तक संभाली जानी चाहिए ये मानस की कथा से सीखना होगा, ये नहीं कि कमर झुक गई है, हाथ से लाठी पकड़ी नहीं जा रही है और चाबी का गुच्छा साड़ी के कोर में बंधा लटक रहा है, खुद भी लटके हैं वो भी लटक रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। किसके लिए हम सोचते हैं, अरे दे देंगे जीते जी, कैसे दे दे, दे देंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, तो आपके ना रहने पे सब बर्बाद होगा कि नहीं होगा, इस बात की कौन सी गारंटी है, इस बात का कौन सा प्रमाण है कि हमारे बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जिसके भाग्य में जितना अंश लिखा है आप नहीं भी बनाएंगे तो भी बच्चा उतना पा जाएगा, अपने कर्मों से पाएगा। और यदि आप सोचे बस पैतृक वाला दे के चला जाए और बच्चे के अंदर कोई संस्कार नाम की चीज है ही नहीं, तो जितना भी बना के जाएंगे ना उसको खत्म करने में उसे साल से दो साल का समय बहुत ज्यादा लगेगा, उससे कम ही में सब निपट जाएगा। वसीयत आज कल लिखी जाती है, वसीयत में जायदाद दी जाती है। वहां वाला घर फलाने बेटे का, बड़े वाले का, वो करजनी का, वो कोने वाला मकान जो है वो छुटके बेटे का, वो गया वाला मकान मजले बेटे का। पर एक बात स्मरण करिए, ये जो है ये हमारे ना रहने पे ये किस वाले बेटे का होगा, कभी सोचा है क्या? ये किसके हाथ में जाएगी? ऐसा कौन मेरे परिवार में योग्य है जिसको मैंने इस काबिल बनाया है कि जो मेरे ना रहने पे मेरी इस वसीयत को संभाल ले जाए? कौन है मेरे घर में, कभी सोचा है? हमारे मरने के बाद तो आप दो या ना दो जितनी धन संपत्ति होती है खोज खोज के वो अपने आप उनके नाम हो जाती है। पर कहीं ऐसा ना हो कि संपत्ति तो सब अपने अपने नाम कर ले पर हमारी चिता के साथ इसको भी हमारी चिता पे ही स्वाहा कर दिया जाए। ये पूंजी यदि खत्म हो गई ना तो फिर समझिए सब कुछ रहने के बाद भी आप रंग ही गए हैं। और बच्चों ने भी यदि ये पूंजी हासिल नहीं की तो सब कुछ होने के बाद भी वो बिल्कुल कुछ नहीं है उनके पास। लोग पूछते हैं कि कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है, दोनों में से बड़ा कौन है? मैं अपनी अल्प बुद्धि से यदि कहूं तो मुझे तो लगता है कि कर्म ही बड़ा है। जब तक कर्म करेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि कौन सा कर्म धर्म का है और कौन सा कर्म अधर्म का है? बिना कर्म किए कैसे मालूम पड़ेगा? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। बुढ़ापे की बात चल रही है, बुढ़ापा कहते हैं, बुढ़ापा और बचपना ये दोनों एक बराबर हो जाता है एक समय पे आया। बच्चे जैसी हालत हो जाती है वृद्धावस्था में। एक निवेदन करूं, एक बड़ी नई चीज देखने में आ गई है। नई चीज देखने में ये आ गई है, मेरा मन तो नहीं कहता कि मैं इस प्रसंग को बहुत विस्तार से कहूं, पर इसे कहना भी आवश्यक है। कथा पूरी सात कर्ण की सुन के चले गए और जीवन में कोई बदलाव ना लाए। प्रसंग सुन रहे हैं दशरथ कौशल्या जी का, प्रसंग सुन रहे हैं राम जी का जिन्होंने पिता के एक वचन को पालित करने के लिए 14 वर्ष के लिए जंगल चुन लिया और घर में अपने माता पिता को दो रोटियों का मोहताज कर रहे। कौन सी कथा सुन रहे हैं? कौन सा प्रसंग सुन रहे हैं? घर में भाई भाई के बीच स्नेह नहीं है। भरत चरित्र की कथा सुनाइएगा दीदी जी, आज आपके यहाँ भी तो आपका भाई है। जब अपने भाई में प्रेम होगा तब समझ में आएगा कि उन भाइयों में कैसा प्रेम था, कितना स्नेह था। तो सार्थक है तो सुनना सफल है, मेरा बोलना सफल है। घर में धन बटने के साथ ही जो माता पिता को बांटने का नया रिवाज चला है ना, ये तो मेरी यहाँ बुद्धि से परे है। आज तक मैं समझ नहीं पाई कि क्या हम सत्य में खुद को संतान कहते हैं, खुद को इस भारत भूमि का लाल कहते हैं, बच्चे कहते हैं? माता पिता को बांट देते महीनों में, दो महीना वहां, तीन महीना वहां, एक महीना वहां। सोच कर देखिए, बच्चे चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, आठ हो, माता पिता एक होते हैं। वो एक माता पिता अपने सारे बच्चों को एक बराबर की परवरिश देते हैं, चाहे गरीबी की दे चाहे अमीरी की दे, एक बराबर की परवरिश देते हैं। वो नहीं विचार करते कि छोटे वाले को वहां भेज दे दो महीने के लिए, बड़े वाले को दो महीने के लिए वहां भेज दे। और जब हम वही बच्चे बड़े होते हैं तो हम अपने माँ बाप को महीनों में टुकड़ों में बांटने में इतना सा नहीं हिचकिचाते, हम नहीं विचार करते, हमें लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे दो दो महीने रख तो रहे हैं, यदि कोई दो गलत कर रहे हैं तो क्या आपने भी इस बात की पूरी लिखित में रखी हुई है ये चीज कि आप भी गलत मार्ग पे ही चलोगे? वास्तव में
बच्चों का जीवन तब सार्थक कहा जाएगा जब बच्चे इसलिए ना झगड़े कि माँ बाप किसके साथ रहेंगे। बच्चे झगड़े तो इसीलिए कि माँ बाप किसके साथ रहेंगे, पर भाव ये रहे कि मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे। इस बात के लिए झगड़ा होना चाहिए, इस बात के लिए तकरार होनी चाहिए। माँ बाप के किए हुए उपकार को थोड़ा सा बड़े होते ही हम भूल बैठते हैं, भूल बैठते हैं, पर याद करें कि आज जिस जगह पे आपके माँ बाप खड़े हैं, एक जगह उसी पड़ाव पे आकर हमको भी एक दिन खड़ा होना। यदि उस दौरान हमारा बच्चा हमसे कह दे कि नहीं 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 आप वहाँ रहो, आप वृद्धाश्रम जाओ, आप बड़े भैया के यहाँ जाओ, तो अपने खुद के दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी, बस एक बार ये विचार कर लीजिएगा, स्वतः ही सारी परेशानियां सुलझ जाएंगी। और मैं एक निवेदन माता पिता से करूं, मैंने अभी कथा के बीच में एक दिन और कहा था, मैं अक्सर देखती हूँ भगवान के सामने हाथ जोड़ जोड़ के, भगवान एक तो बेटा दे दो, काहे दे दे, अरे कैसो दे दो, एक तो दे दो, कैसो बेटा लेके क्या करेंगे, रावण जैसा बेटा चलेगा, कुंभकर्ण जैसा चलेगा, तो फिर क्यों कहते हैं कि कैसा भी हो एक तो दे दो। जरूरी है कि कुल का दीपक ही आए, कुल का घातक भी तो आ सकता है। बस ये विचार करिए मन में और ठाकुर जी से एक प्रार्थना करिए, सरकार यदि संतान देना तो ऐसी देना जो धर्म का अनुसरण करने वाली हो, और यदि अधर्म ही दिखी हो तो मत देना, उससे अच्छा अधर्म ही नहीं चाहिए। भगवान से एक चीज और मांगते रहते हैं, भगवान हमारा बेटा हमारी सुने, बहू सुने, घर वाले सुने, सब हमारी बात माने, हमारी बुढ़ापे में खूब सेवा हो। मतलब हमने पहले से ही भगवान से फिक्स करा लिया कि बुढ़ापे में हमको बीमार कर देना, पलंग पे डाल देना, रे तभी तो सेवा होगी, और कैसे होगी, बिना पड़े कैसे सेवा होगी। ठाकुर जी से मैंने अभी बीच में कहा था ना, सुकून उतना ही देना प्रभु की जिंदगी चल जाए, आंखों में शर्म इतनी हो कि बड़ों का मान रख पाएं, सांसें सिर्फ इतनी देना कि औरों का भला कर पाएं, बाकी सांसें तुम रख लेना प्रभु, कहीं औरों पर बोझ ना बन जाए। सिर्फ इतना ही जीवन प्रभु दीजिए कि किसी की सेवा कर सकूं, कराने योग्य जब हो ना तो अपने पास बुला लेना, ज्यादा जिंदगी मत देना। एक चीज और कभी सोचा, इतने सारे रंग हैं, सात रंगों की मान्यता है, पर और सारे रंगों को छोड़ करके ये सारे बाल पहले काले थे और फिर सीधा सफेद हो गए, ना नीले ना पीले ना गुलाबी ना हरे ना नारंगी, पहले काले बाद में सीधा सफेद, क्यों? कारण ये, वो श्वेत बाल कानों के पास, यही के बाल सफेद होते हैं, ये जगह कान के सबसे करीब होती, वो बाल आकर के कहते हैं भैया मैं बाल हूं और मैं तब से तुम्हारे साथ हूं जब तुम बाल थे, अब तो मैंने भी अपना रंग बदल लिया है, अरे तुम अपना रंग कब बदलोगे, अब काला जीवन छोड़ो, सफेद जीवन जीना शुरू करो, काली माँ हटा दो, बेदाग जीवन जीना शुरू करो। ये काला सफेद से मुझे एक घटना याद आ रही है। एक घर में संडे का दिन था, तो छोटा सा बच्चा था घर में, अपने दादाजी के कमरे में खेलते खेलते पहुंचा, दादाजी कुछ लगा रहे थे सिर पे, अब आपको तो पता ही है, अब क्या बताएं। बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी अभी क्या लगा रहे हो, दादाजी ने अब सोचा बच्चे को क्या पूरा डिटेल में बताऊं ये क्या है, तो बच्चे को कह दिया बेटा ये वो चीज है, इसको लगाने से मैं बूढ़ा नहीं लगूंगा। अच्छा, बच्चा दूसरे कमरे में पहुंचा, पापा जी भी लगे थे, पापा जी आप क्या कर रहे हो, बेटा इसको लगाने से मैं बूढ़ा नहीं लगूंगा, चाचा जी, अच्छा चाचा जी आप भी ये वो लगा रहे हो ना जिसको लगाने से आप बूढ़े नहीं लगोगे, मुझे पता है। अब बेटा गया स्टोर रूम में, वहां पे सफेद पेंट का डब्बा रखा हुआ था, और पूरा पेंट उठाया, ब्रश उठाया, अपना पूरा सर बढ़िया सफेद रंग से पॉलिश करके घूमने लगा। अब घर वालों ने जब देखा, दादाजी, पिताजी, चाचा जी, अरे ये क्या कर लिया, ये सफेद पेंट क्यों लगा लिया,
बच्चे ने कहा घर के सारे बड़े लोग जब जवान ही हो जाओगे तो घर में कोई बूढ़ा भी तो होना चाहिए जो सही रास्ता बतावे, कछु गलत करो तो समझावे। अब आप सब तो युवा हो गए तो हमने सोचा हम बूढ़े हो जाए। सत्य बात है, ज्ञान जीवन में किससे मिले ये कोई जरूरी नहीं कि ज्ञान देने वाला खुद बहुत बड़ा ज्ञानी हो या फिर खुद बहुत आयु में श्रेष्ठ हो अथवा जाति धर्म में श्रेष्ठ हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हुए हैं और वो 24 गुरु दीक्षा गुरु नहीं थे, शिक्षा गुरु थे। शिक्षा गुरु का मतलब जैसे एक माता धान कूट रही थी, उसके हाथ में ढेर सारी चूड़ियां थी। जैसे धान कूटे चूड़ियों से आवाज आती थी, उसने थोड़ी सी चूड़ियां कम की, फिर कूटना शुरू किया। अभी भी आवाज आ रही पर कम आ रही, फिर और चूड़ियां निकाली, दो चूड़ी बची, अब आवाज और कम हुई। फिर उसने वो एक चूड़ी और निकाली, अब एक अकेली चूड़ी बची, अब धान कूटना शुरू किया तो आवाज नहीं आई। दत्तात्रेय जी ने यहाँ पर ये शिक्षा ली, जो हम कहावत में कहते हैं कि चार बर्तन जहाँ पर रहते हैं वहां पर आवाज आती ही आती है। यदि आप संयुक्त में रहेंगे, कुछ लोगों के साथ रहेंगे, तो ये आवश्यक नहीं कि आपकी मति और उनकी मति या दोनों का मत मिले एक दूसरे से। मतभेद अवश्य होगा यदि चार जन के बीच में आप बैठे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लेकिन जब आप एकल रहना शुरू करते हैं तो फिर मतभेद करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि आप एकाकी जीवन जी रहे। इस प्रकार से अनेक गुरु दत्तात्रेय जी ने बनाए। आज दशरथ जी ने मानो अपने उन केशों को ही अपना गुरु बना लिया, शिक्षा ली है। जो पाचे ही मत लागे निका, यदि आप पंचों को मेरा मत अच्छा लगे तो राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा, जब गुरु जी के सामने बात रखी, गुरुदेव ने कहा शीघ्रता से सब तैयारी करिए। गुरुदेव जानते सब हैं, पर ये विचार किया यदि आज के आज सब हो जाए तो क्या पता जो कल होने वाला है वो टल जाए, शायद एक बार को टल जाए, प्रयास कर लेते हैं। सारी तैयारियां होने लगी। दशरथ जी ने गुरुदेव से कहा राम को जाकर के आप उपदेश कर दें। गुरुदेव राम जी के पास पहुंचे और कहा राम करहु सब संजम आजु, जो विधि कुशल निबाहे पूर्वक आज की रात्रि व्यतीत करें। जो विधि यदि विधाता सब कुछ कुशलता से निभा देता है तो कल आपका राज्याभिषेक हो जाएगा। पहले से ही एक शंका रूपी चिन्ह लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। जो विधि, जैसे आप किसी भी व्यक्ति के विषय में कुछ अच्छा बताइए, सुबह से लेके सुबह 5 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक उसकी प्रशंसा करो। अरे भाई साहब का तो ऐसा स्वभाव है, भाई साहब बड़े दिल के हैं, भाई साहब का बड़ा अच्छा ये है वो। सुबह 5 से शाम के 5 तक गुणगान करिए और शाम के 5 बजे तक गुणगान करने के बाद सारी गाथा गाने के बाद कह दीजिए सब तो ठीक है लेकिन। जहां लेकिन लगा ये 12 घंटे का आपका प्रवचन बेकार, क्योंकि सामने वाला समझ गया लेकिन लगा है मतलब कुछ ना कुछ एक गूढ़ रहस्य छुपा है, कुछ तो कमी है, नहीं तो लेकिन क्यों लगता। आज गुरुदेव ने कहा राम संयम से नियम से रात्रि बिताइए, नियम व्रत का पालन करिए। जो विधि यदि विधाता
और जहाँ पे ये प्रश्नवाचक शंका रूपी चिन्ह लगा, गुरुदेव को पता है कि हुई है सोई जो राम रची राखा। और ठाकुर जी को तो क्या नहीं पता था, प्रातः काल का समय हुआ, देवताओं ने मैया सरस्वती को भेजा कि जाकर कुछ करिए। मति फेरी गई किसकी, नाम मंत्रा मंद मति, चेरी कह कई केरी, अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मति फेरी। मंत्रा, मंत्रा एक ऐसी है अयोध्या में, लंका जैसी राक्षसों की नगरी, यहाँ पर भी विभीषण के जैसे राम जी के भगत रहते हैं, और अयोध्या जैसी पूरी भक्तों की भगवान की नगरी, यहाँ पर भी मंत्रा के जैसी दुष्टा रहती है। मंत्रा ने जैसे ही देखा, दीख मंत्रा नगर बनावा, दासियों से पूछा क्या चल रहा है, और जैसे ही कानों में शब्द पड़ा कल राम जी का राज्य अभिषेक है, सीधा माँ कैकेयी के भवन में पहुंची। वहां गई मैया ने कई प्रकार से पूछा, क्या हुआ मंत्रा, क्यों ऐसे खड़ी है, अब मुझे डर लग रहा है, मेरा राम कुशल तो है। अब मंत्रा ने व्यंग भरी बाणी से बोला, राम ही छाड़ी कुशल के ही आज। महारानी ये मत पूछो कि राम कुशल से है, अरे ये पूछो कि राम को छोड़ करके और कोई कुशल है क्या, उसी की तो सारी कुशलता है, अरे राजा बन रहे। इतना सुनते ही तो मैया आनंद से झूम गई, मेरा राम राजा बन रहा है। मंत्रा ने कहा, नाच लो महारानी, जितना आनंद मनाना है मना लो, क्योंकि कल से तो फिर दासी का ही जीवन जीना है। राम राजा बनेगा, कौशल्या राजमाता बनेगी। सुमित्रा तो चहेती है कौशल्या कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगड़ेगा, आपके भरत का बिगड़ेगा। इतने प्रकार से मंत्रा ने मैया के मन मस्तिष्क में वो बातें डाल दी। यदि हमारे भोजन में कोई जहर डाल दे तो डॉक्टर साहब बचा सकते हैं, पर यदि कोई हमारे कानों में जहर भर दे तो कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता, कोई इलाज नहीं, लाइलाज बीमारी। मंत्रा ने वही किया, मैया कैकेयी से कहा, दो वरदान आपके हैं, वरदान स्वरूप आज मांग लो। मंत्रा की कथना अनुसार मैया कोप भवन पहुंची, मैले कुचेले वस्त्र हैं, आभूषणों का त्याग कर दिया है, धरती पर लेटे हुए हैं। महाराज ने जब वो दशा देखी भयभीत हो गए, फिर भी हिम्मत करके पूछा, देवी क्या कारण है, ऐसी हालत क्यों बनाई, आपको पता है आपका राम कल राजा बनने वाला, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांग लो जो मांगना चाहती है। महारानी ने कहा, महाराज ले लो ले लो कहते तो हैं, पर दिया है आज तक कभी कोई वरदान पूरा किया है, अरे पहले पुराने वरदानों को ही पूरा कर दीजिए, फिर नए वरदान दीजिए। पुराने कौन से वरदान, देवासुर संग्राम के समय के, अवश्य दूंगा, पहले जाकर सुंदर श्रृंगार करके आ। मैया ने कहा, ऐसे नहीं, पहले राम की शपथ लीजिए। दशरथ जी ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा प्राण प्रिय भावत जी का सुनाऊं।
हूँ प्राण प्रिय भागवत जी का। दशरथ जी ने कहा, हम रघुवंशी हैं देवी, प्राण दे सकते हैं पर दिए गए वचन से पीछे नहीं हट सकते। यह बात जब कही गई, मैया कह के इन्हें वर मांगा, मैं मुझे पहला वर ये दीजिए कि ये जो अयोध्या का राज तिलक होने वाला है, ये राम को नहीं मेरे पुत्र भरत को मिले। दूसरा वर मांगा है, दूसरे वर में मुझे ये दीजिए प्रभु, मेरी ये इच्छा है कि राम को 14 वर्षों के लिए इस अयोध्या का त्याग करके उदासीन व्रत लेकर के तपस्वियों का वेश धारण करके वन में जाना पड़ेगा। दोनों वचन सुनाए, सुनते ही दशरथ जी महाराज स्तब्ध रह गए। दशरथ जी महाराज हृदय में विचार कर रहे हैं, जिनके स्वभाव से शत्रु भी प्रसन्न रहते हैं, जो कभी शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं होता है, वो अपनी माता के प्रतिकूल कैसे हो गया? कैकेयी ऐसा वर कैसे मांग सकती है? कैकेयी से मैया ने, मैया कैकेयी से महाराज ने कहा, कैकेयी मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं प्रार्थना करूंगा। सभी लोग जरा शांति पूर्वक बैठे रहे, जो होना था वो गया, अब उसके पीछे या तो ढूंढते आप भी जाओ, नहीं तो बैठे रहो। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। तुम्हें निवेदन कर रही थी आप सबसे। दशरथ जी ने कहा, देवी मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। मैया कैकेयी ने कहा, महाराज मरना तो तय है, मरना तय है, पर कौन मरेगा ये अभी तय नहीं है, ये आपके वचनों पर निर्भर करता है। यदि आपने प्रातः काल होते तक राम को वन नहीं भेजा तो मैं मरूंगी, आपको कलंक लगेगा, और यदि राम वन को गया तो आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। महाराज मैं तो कलंक ले करके घर की चार दीवारी के अंदर जीवन बिता सकती हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे स्वामी को कलंक लगे, मेरे स्वामी कलंक अपने ऊपर लेकर समाज में कैसे मुख दिखाएं। मैया कैकेयी के जितना त्याग किसी ने नहीं किया है, इस बात को सदैव स्मरण में रखिएगा। कभी मन में भी भूल से ये विचार ना आने पाए कि कैकेयी जी ने गलत किया। अन्य रामायणों में वर्णन आता है, मैया कैकेयी से राम जी ने बचपन में ही ये बात कह दी थी, माँ कुछ मांगूंगा मुझे दोगी क्या? मैया कैकेयी ने कहा, राघव प्राण मांगो तो प्राण दे दूंगी। राम जी ने कहा, नहीं माँ, प्राण मांगूंगा, मेरी मैया जब रहेगी ही नहीं तो फिर वचन कैसे पूरा होगा? प्राण नहीं चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जिससे आपको हर पल मरने का दुख होगा, मतलब इतना कष्ट होगा कि मृत्यु के बराबर कष्ट आपको हर पल झेलना होगा। माँ आपसे मैं जो मांगूंगा ना, पूरे संसार में लोग आपको क्रोध की दृष्टि से देखेंगे। माँ मैं आपसे जो मांगूंगा ना, कोई आपसे कभी ठीक से बात भी नहीं करेगा। माँ मैं आपसे जो मांगने वाला हूँ, मेरे इस वचन के बाद शायद आप संसार की नजर में गिर जाओ। माँ मैं आपसे जो मांगू, शायद आप अयोध्या की नजर में गिर जाओ। माँ मैं आपसे जो मांगूंगा, शायद आप भरत की नजर में गिर जाओ, शायद आप फिर भरत आपको कभी माँ कहकर नहीं बुलाएगा। अब बताओ, राम जी कहे चले जा रहे, माँ इसकी नजर में गिर जाओगी आप, ऐसा होगा। मैया ने राम जी से कहा, राघव सब छोड़ो, बस ये बताओ कि इस वचन को पूरा करने के बाद ये कैकेयी अपने राम की नजर में तो नहीं गिरेगी ना? मैं आपकी नजर में तो नहीं गिरूंगी ना राघव? राम जी ने कहा, नहीं मैया, मेरी माँ तो सदैव मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, भगवान से भी ऊपर मेरी माँ का स्थान है मेरे लिए। मैया कैकेयी ने कहा, तो बस संसार में और मैं किसकी नजर में गिरती हूँ उठती हूँ, मुझे इस बात का जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। यदि मैं अपने राम की नजर में नहीं गिर रही हूँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, दुनिया कुछ भी कहे।
रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाय और कौन पास जाइए। रूठे चाहे राजा वासे कछु नहीं काजा, एक तू ही महाराजा तेरे नेह को निवाहिए। रूठे चाहे शत्रु अरु मित्र रूठे आठो याम, एक तेरे शरणन के नेह को निभाइए। क्योंकि सारा जग झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू न रूठन चाहिए। राजा रूठे महाराजा रूठे सगे रूठे पराए रूठे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप मुझसे मत रूठना, आप नाराज मत होना। मैया ने प्रार्थना की और आज वही वचन मांगा। राम जी को सूचना मिली सुमंत जी के द्वारा, राम जी को बुलवाया। राम जी आकर कहते मोहि कहूं मात तात दुख कारण। वो स्वामी जी कहते आज तक मेरे राम जी दुख शब्द सुना भी नहीं है कि दुख क्या होता है। आज पिता को ऐसे विकल देखा पूछ पड़े क्या दुख है मेरे पिता को। करिए जतन जही होई निवारा। मैया कहके ने सारी बात बताई, मैंने ऐसा ऐसा वर मांगा राम और इस वजह से आपके पिता की ये दशा है। राम जी ने कहा माँ इतने शुभ कार्य में प्रसन्न होने के बजाय पिताजी दुखी हो रहे हैं। वन जाऊंगा संतों के दर्शन होंगे, कितना बड़ा सौभाग्य होगा मेरा भरत, इस अयोध्या नगरी को मेरे भरत के जैसा संत राजा मिलेगा और क्या चाहिए माँ। अरे सब प्रकार से मेरा लाभ है, पिताजी क्यों दुखी होते हैं। दशरथ जी ने आप मानस पढ़ लीजिएगा, दशरथ जी ने मुख से एक बार भी राम जी से नहीं कहा कि राम जी वन जाओ, प्रभु स्वयं चले गए केवल वचनों को सुन करके। मैया कौशल्या के पास पहुंचे, मैया कौशल्या के लिए गोस्वामी जी कहते भई गति सांप छछू न रहे। आज जैसे सांप की दशा होती है, किससे सांप छछूंदर जानते हैं ना, चूहे के जैसा होता है, मुख में भर लेता है, सांप को लगता है मैंने चूहे को पकड़ा है, पर जैसे ही मुख में लेता है उसे लगता है अरे ये चूहा नहीं ये तो छछूंदर है। अब उस समय सांप की दशा ये होती है यदि उसको वो निगलेगा तो मर जाएगा और यदि उगलेगा तो अंधा हो जाएगा। आज माँ की भी ऐसी ही दशा है, धर्म और प्रेम दोनों के बीच में मेरी माँ कौशल्या आज समझ नहीं पा रही किसका चयन करूं। धर्म कहता है पुत्र को पिता के वचन का पालन करना चाहिए, लेकिन प्रेम कहता है कि बेटा छोटा है इसको भी माता के प्रेम की छाया में रहना चाहिए। चले गए मैया जानकी आई, राम जी ने समझाया वैद्य ही आप वन के योग्य नहीं हो। मैया ने कहा प्रभु बस एक बात बता दो, मैं वन के योग्य नहीं हूं तो क्या आप वन के योग्य हैं। प्रभु मौन हो गए। भैया लक्ष्मण आए, सुमित्रा मैया से आज्ञा ली। सुमित्रा माँ ने कहा लक्ष्मण जी ने, आप देखिएगा मानस में लक्ष्मण जी ने बताया नहीं है, पूछा नहीं है, सिर्फ एक लाइन में बात बता दी। माँ मैया के कहीं ने वर मांगा और मेरे राम जी वन को जा रहे हैं, माँ भी जा रही है, मैं भी साथ में जा रहा हूँ, प्रणाम, इतना कह के चल दी। मैया सुमित्रा ने कहा ठहरो ठहरो, क्या कहा माँ राम जी अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, भैया अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं। सुमित्रा मैया ने कहा गलत, राम कभी अयोध्या छोड़ के जा ही नहीं सकता। माँ मैं सत्य कहता हूँ वो जाने को तैयार है। लखन लाला से मैया सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण एक बात बताओ, सूर्य कौन सी दिशा में निकलता है, आप बताइए कौन सी दिशा से सूरज निकलता है। गलत, पूरब दिशा से सूर्य नहीं निकलता, बल्कि सूर्य जिस दिशा से निकल जाए उसी को हम पूरब दिशा कहते हैं। वही पूरब दिशा हो जाती है जिधर से सूर्य का उदय हो जाए और जिधर अस्त हो उसे हम पश्चिम कहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरब से ही सूर्य निकले ना, क्योंकि सूर्य भगवान पूरब पे नहीं, पूरब सूर्य भगवान पे निर्भर है।
जिधर से सूर्योदय होगा वही पूर्व दिशा होगी। इसी प्रकार लक्ष्मण ये राम जो है ना ये अयोध्या से नहीं है, ये पूरी अयोध्या राम से है। तुम कहते हो राम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, गलत बात है। अयोध्या छोड़ के राम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि राम जी के जाने के बाद ये नगरी अयोध्या रहेगी ही नहीं। अयोध्या तो वो वन हो जाएगा जहाँ पर मेरा राघव जा रहा है, वो जंगल ही अयोध्या हो जाएगी। सुंदर मैया ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया है, विदा किया है। तीनों चल पड़े। तमसा के तट पर पहला वास हुआ। माया के प्रभाव से समस्त अयोध्यापुर वासी सो गए। प्रभु ने रथ हाँकने को कहा सुमंत जी से। सुमंत जी रथ लेकर श्रृंगवीरपुर पहुंचे, जहां पर निषाद राज मिले हैं। निषाद राज ने कहा, प्रभु 14 वर्ष आपको वन में ही तो बिताना है, तो मेरा ये सर्वस्व राज्य आपका, आप यहीं के राजा बन जाओ। राम जी ने कहा, पिता के वचनानुसार वन में रहना है, किसी नगर राज्य में प्रवेश वर्जित है।